ये ऐसा है कि एक लड़की है, जी उसका उसका जो शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट है वो असम का है। 2016 में उसको दिया गया है, 2016 में उसको असम का शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट दिया गया है, लेकिन वो पढ़ाई किया असम में और पढ़ा लिखा करके आया, लेकिन जब नौकरी मिला, नौकरी मिलने का समय में सर्टिफिकेट लेके आता है फिर हमारा अरुणाचल का, और उस अरुणाचल का जो सर्टिफिकेट इशू करने वाला है वो आपका डीसी है या नामथाई का डीसी, यानी कि अभी ही आपका ही है। तो सर इसका वो ये में हम लोग बात करने हैं सर, ये किस तरह से इशू किया और कैसे इशू किया, हम उसको जानना चाहते हैं सर। वही इशू है कि उनका जो उन्होंने जब पढ़ा कॉलेज में तो असम का एसटी था, और जब नौकरी में जब उसने जो अप्लाई किया है तो नौकरी बेसिस मिला है अरुणाचल प्रदेश एसटी के स्टैंड में उनको नौकरी मिला, तो ये मतलब हमको ऐसा सोशल मीडिया से ऐसा पता चला है, दिखने में ऐसा आता है। तो उनका यहाँ अभी जो ईटानगर पुलिस से भी एक रिक्वेस्टेशन आया है लास्ट फ्राइडे को, मैंने अभी फ्राइडे छुट्टी था, सैटरडे आज ही ऑफिस खुला है तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने उनका तिब्रानी मंगलों का जो एस टी सर्टिफिकेट दिया था यहाँ से इशू हुआ है, उनका डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से मांगा है, वो लोग उनको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हम भी उनको देख अभी छानबीन करके पेपर उनको भेजेंगे। तो उनको इनिशियली यहाँ से फर्स्ट एक यहाँ से उनको एस टी इशू हुआ था 2014 में, है ना जी, 2014 में इशू हुआ है। और फिर उसके बाद में उन्होंने क्या सर्कमस्टांसेस से किया है वो तो वो पर्सन उनका जानता है, पर्सन की बात है। असम से भी उन्होंने लेके असम का एसटी के इंस्पेक्शन में उन्होंने असम में पढ़ाई किया जो हाथ में। उसके बाद फिर देखा गया है कि उन्होंने 21 में फिर एक जो कंप्यूटराइज जो होता है वो ऑप्टेन किया है। पहले जो एसटी सर्टिफिकेट यहाँ से इशू हुआ था उस समय उन्होंने ये नामसाई जो एडीसी हेडक्वार्टर का, उस समय डीसी नहीं हुआ था, तो एडीसी नामसाई का सिग्नेचर में वो इशू हुआ था 2014 में। और 2021 में क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हो चुका था तो उस समय हमारा डीसी का सिग्नेचर में वो इशू हुआ। तो अभी हम लोग को एक तो पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और हम लोग भी यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे पुलिस को, जो भी डॉक्यूमेंट्स क्या डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे उनको एसटी इशू हुआ है ना, वो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद है, तो हम भी उनको देखेंगे। हम लोग भी जनरली एसटी सर्टिफिकेट रेंडमली तो इशू नहीं होता है, उनका पूरा जो प्रोसीजर है वेरिफिकेशन है, सर्कल लेवल सर्कल ऑफिसर से सिग्नेचर होता है, उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, उससे पहले गाँव बुरा से और जो एक विलेज लेवल में भी कोई जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उनसे वेरिफिकेशन हो के प्रोसेस हो के एसटी सर्टिफिकेट इशू होता है। तो वो एसटी सर्टिफिकेट इसका इनका एसटी सर्टिफिकेट कैसा इशू हुआ है वो अभी हम लोग मैं भी इसका ये करूँगा क्या बोलता है एग्जामिन करूँगा और पुलिस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो उसके बाद जो सच है वो सामने आएगा, जो सच सामने आएगा तो फिर जस्टिस लेना होगा। उन्होंने दो एसटी सर्टिफिकेट स्टेट्स का तो नहीं हो सकता है, जिसका जेन्युइन है उसका होगा, और जो जो एक्शन उन्होंने किया है वो तो गलत एक्शन जरूर है, उसका तो जो अपना कानून अपना काम करेगा। तो वही मेरा तो यही है अभी हम लोग मे भी उसका अभी चलिए सर वो असम का वहाँ से पढ़ाई किया है 2000 कब था ये डेट 2016 सर ये 2016 में जबकि यहाँ से असम का जब शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट लेता है तो फिर यहाँ सर नौकरी करने के लिए यहाँ से फिर सर्टिफिकेट लेता है सर, क्या हम लोग अभी ये क्लियरली देख रहे हैं कि हमारा कुछ सीएम था और सीएम था उसके बाद डीसीएम था कुछ अनाउंस करता है कि आप लोग को कुछ हम लोग बड़ा पैकेज देने वाला है, सरप्राइज देने वाला है सर। हम लोग कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो नॉन ट्राइबल होता है तो उसको ऐसा ही मान्य सर्टिफिकेट बांट रहा है, शेड्यूल ट्राइब बांट रहा है सर। कभी कभी हम लोग ऐसा लगता है कि ये जो हम लोग को एक बार जब अभी जानते हैं हम लोग जानते इतना बड़ा घटना हुआ है जो हमारा आईजी पार्क में अभी भी है उसका समाधि है, तो सर ऐसा नहीं लगता है कि सर जो हम लोग का पब्लिक को इनोशन जो अरुणाचल का पब्लिक को बड़ू बनाया जा रहा है। हम कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सचमुच जो वो गिफ्ट देगा बोला है वो सचमुच गिफ्ट दे चुका है,
लेकिन सर 2016 में वो वहाँ असम में पढ़ाई करता है और यहाँ पे 2021 को फिर यह सर्टिफिकेट ले लेता है। तो सर मेरा ये मानना है कि हम असम का को नहीं बोल सकते कि उसको कैंसिल करो नहीं करो, वो उसका ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एट द टाइम आप सर जैसे होने से भी ये आप आठ हो चाहे कब हो, ये शेड्यूल ट्राइब जो अरुणाचल का 30 ट्राइब आप उसको कैंसिल करके रखिए, क्योंकि ये 2016 को असम से लेकर 2021 को फिर अरुणाचल से लिया है। तो इस सर्टिफिकेट को हम लोग बिल्कुल कबूल नहीं करेगा। जो वो असम का है तो असम में रहने, चलिए वो यहाँ रिफ्यूजी में बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बैठ सकता है, अब बैठा है तो बैठ सकता है, कोई हो सकता है बोर्ड आने, लेकिन उसका प्राई है असम में सर्टिफिकेट। हम असम का कभी भी नहीं बोला कैंसिल करो, हम नहीं बोलते, लेकिन एट द टाइम अरुणाचल का जो सर्टिफिकेट दिया उसको सर कैंसिल करना पड़ेगा। हम चाहे जो भी हो जैसा भी हो, अगर इसे कैंसिल नहीं होता है तो इसका फर्दर हैंपर जो हमारा सीएम और डीसीएम को ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है 2017 में बोला है कि हम आप लोग को गिफ्ट देने वाले हैं, यानी कि अभी हम लोग सचमुच अंदर अंदर में और कितना गिफ्ट दे के रखो हम लोग पता ही नहीं चल रहा। अब ये तो ऊपर से हम लोग मालूम है कि ये गिफ्ट दे है, आप किससे भी करके ये 2 या 3 दिन के अंदर में अब हम लोग को लेटर को लिख के भेज दीजिए। अगर आप कैंसिल कर सकेगा तो बोलिए कि कैंसिल कैंसिल कर दिया, अगर कैंसिल नहीं कर सकेगा तो अब हम लोग को लिख के दे दीजिए कैंसिल नहीं करेगा। अगर आप कैंसिल नहीं करेगा लिखने से हम लोग उसका हम लोग कार्रवाई करेंगे कि हम लोग क्या करना, पब्लिक क्या करना नहीं करना, क्योंकि हम देखो ऐसा जब वहाँ में पीआरसी इशू था सर, हम भी उसमें था, सब लोग था पीआरसी। और सर ऐसा एक वहाँ का बाहर का आदमी, हम लोग अरुणाचल इतना सारा पॉपुलेशन है सर, आप तो यहाँ का है लोकल है सर, आप जानते हैं पॉपुलेशन हम कितना कम थे। अगर हम लोग ऐसे ही अंडरग्राउंड में पीआरसी बनना शुरू करें, एसटी बनना शुरू करेगा तो सर हम लोग रहने कहाँ जगह होगा, स्पेशली सर स्ट्रिप का तो रहने जगह ही नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग ये मांगे कि ये 5 दिन हम लोग टाइम दे रहे हैं, ये 5 दिन में जैसे भी आप हम लोग एक कागज भेज दीजिए कि इसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। अगर आप ये कोर्ट में प्रोड्यूस करना है तो कर सकता है, वो उसको उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा अरुणाचल का जो शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट उसे कैंसिल कर दिया, इसको सर आप कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करके आप लोग फिर ऐसे पॉलिटिकल में ऐसे ये गिव हमारा डीसीएम साहब और सीएम साहब जो गिव में दे दिया बोलने से, आप लिख दीजिए कि हम लोग कैंसिल नहीं कर सकेगा, आप लोग लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग स्टेट में देखते हैं कैपिटल में हम लोग क्या हिसाब से हम लोग ऐसा मूवमेंट करना है, क्या करना है, वो हम लोग पर डिपेंड करेगा सर। वही सो डीसी बीइंग द कंसर्न अथॉरिटी एज एन एस्पिरेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट शी हैज यूज 2 STs एट अ टाइम। टू बी वेरी प्रिसाइज इफ आई सी like in 2016 to 2020 she did her graduation, and from 2020 to 22 she did her masters. While she was doing masters in Assam as an Assam ST, she was pursuing and giving exam of our agriculture development officer as an Arunachali. So in it happens to be like that in 2020 December our notification for ADO got out, it was notified to us, and in 2021 we gave our exam. September 2021 we gave our prelims, and November we gave our mains, and in 22 you can see here in 13th May 2022 our ADO result was out, and she bearing the rank number 33, and it is written APST here. So by this it is very clear that she is already with her own benefits. Sometimes she become Arunachali, sometimes she become Assam SMS. So but with this we are very clear that at the same time, at one at a time, she was Assamese ST in Assam and Arunachali ST in Arunachal. So that's it is a crime. So we request that, we humbly request the DC, concerned DC, that for using 2 STs at a time and misusing our Arunachal APST, we would like to request to cancel her ST and PRC, especially Tiprami Manglong. It's a humble request from ADO aspirant. Now being investigated by the Itanagar police, and we are fully supporting the Itanagar police in furnishing the all the documents that they have requisitioned. So we and the investigation agency are here to deliver justice, isn't it? Justice will be delivered. But as of now, since it is under investigation, I cannot assure anything. But ये बात है कि जो जो भी चीज़ हुआ है उन्होंने एक चीज़ तो
बहुत बड़ा गलत किया कि आप जैसे बोला है कि उनका एक समय में उनके पास दो एसटी था जो कि कानूनी तौर पर गलत है और इट्स एन ऑफेंस इज़ इट टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट्स फ्रॉडुलेंटली बोलेगा है ना, चाहे वो यहाँ से फ्रॉडुलेंटली प्रिंट ऑब्टेन किया है या आसाम से किया है ऑफेंस तो वो अपना कोर्स लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स सर एंड आल्सो दैट एसटी वी गेट एसटी बेस्ड ऑन वर्च्यू ऑफ आवर बर्थ एसटी इज इश्यूड ऑन द वर्च्यू ऑफ आवर बर्थ नॉट बाय द माइग्रेशन और मैरिटल स्टेटस सो एज आई सी दैट इफ वी dig deeper into this so we have to also see that is Tiprami Manglong and his father her father Chaute Manglong are they really or naturally is it is a very big question are they like you said in 2014 it was also issued so if we dig deeper are they really or naturally by the virtue of birth we have to also see that sir because ST is also only issued by the virtue of birth yes. PRC we get through by yes, marital status you are right now yes. Things have surfaced out we have to dig the things to reach the actual what is the truth actually to dig out the truth we have to do our work yes. And we are ready to do it that aap assure kijiye ki aapka jo investigation chal raha hai to kis basis pe aap kar rahe hain police kar rahe hain तो अच्छा सर कर भी तो ऑन द आपका साइड में जैसे आपको बिहार में आप किस तरह से ऐसे डीसी ऑफ द लम साइंस आप अपने तरफ से क्या कार्रवाई शुरू कर सकते हैं जैसे तो आप फिलहाल तो मैं आपको बोला ना पुलिस को मैं सब पूरा कोऑपरेट कर रहा हूँ तो इंटरसेंट करने में यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट उसको भेजेंगे और मैं हमारा लेवल में भी हम लोग एग्जामिन करेंगे लेकिन मैं दो तीन दिन के अंदर मैं एश्योरेंस देगा कि मैं उनका कैंसिल कर दूँगा या कैंसिल नहीं करूँगा ये तो बोलना थोड़ा सर एक सर डी सी सर आप एक बार देख लीजिए कि इसमें आप दिखा दीजिए कि यहाँ में दो सर्टिफिकेट हैं हम कभी नहीं बोलेंगे कि आपको जाके हम लोग नहीं बोले कि असम का सर्टिफिकेट को आप कैंसिल करो हम तो नहीं बोलेंगे लेकिन आप कैंसिल कर सकता है क्यों नहीं सर आप अगर इस एक सर्टिफिकेट को कैंसिल करके आप बोलेगा इसको हम पेंडिंग रख रहे कैंसिल करें आपको सर्टिफिकेट को आप या कोर्ट में चला जाइए या आप बोलिए कि आप असम का नहीं है बोल के आप ऐसा कर सकते हैं आप बोल सकते हैं कि अफोर्ड करते हैं आप कोर्ट में जाने से जाइए कहीं भी जाइए अब एक दो दिन क्या सर अभी भी कैंसिल कर सकता है क्योंकि यहाँ में ऑलरेडी देखा देखे है सर कर सकता है आप ये कैंसिल कर सक बोल सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट को अभी हम आपका जो है शेड्यूल कर सकते एस टी और पी आर सी को हम कैंसिल कर रहे हैं एज अ डी सी नाम से हम कैंसिल कर रहे हैं आपका ऑलरेडी एक असम का सर्टिफिकेट है अगर आप असम का नहीं चाहिए बोल के आप अरुणाचल कोर्ट में दे सकता है तो आप अगर कोर्ट से जाते हैं तो चलिए अगर जब आप कोर्ट से नहीं जाते आप कोर्ट भी बोलेगा नहीं आपको दो सर्टिफिकेट नहीं करता आप कोर्ट से आएगा ये सर तो इसलिए सर आप हम लोग कल करेगा परसों करेगा वो भी बात है लेकिन सर हम लोग ये मांगे कि ये कोई बड़ा चीज़ भी नहीं है सर आप उसको बोल सकते हैं आप बुला के भी आपका स्टाफ है मैंने सुनने में तो यही में स्टाफ अभी बैठा हुआ है बोला यही आप उसको बुला सकते हैं कि आपका एक सर्टिफिकेट हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि आपका दो सर्टिफिकेट है अब इसमें क्या कहना आप कोर्ट जाइए चाहे जो भी कहिए अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सर आप ऐसा देखिए कि वो हम लोग के लिए बैठा हुआ है पब्लिक के लिए बैठा हुआ अगर सर आपको हम लोग अभी बोलेगा कि सर असम का कैंसिल करो ये तो हो ही नहीं सकता है हम असम आपको बिल्कुल नहीं बोल देगा सर इसलिए हम लोग मानना है कि मांग है कि ये चार या पाँच दिन का अंदर में आप हम लोग लेटर दीजिए अगर कैंसिल करना है नहीं करना सर ये तो सर कम्प्लीटली आसाम इस लड़की अभी पता है इसलिए चल रहा है क्योंकि इसका जो डिग्री है मास्टर्स है ऑलरेडी आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरा से करके आया है वो क्लियर है ये सर तो ये सर इससे बड़ा एविडेंस आपको मतलब कहाँ आपका आपका जो इन्वेस्टिगेट करेगा बोलते हैं इससे और कहाँ क्लियर एविडेंस कहाँ मिलेगा अभी तो ये तो इसलिए आपको सर बोला जैसे सीधा उसको अब भी कभी कैंसिल कर देना आपका स्टाफ जो है उसको बुला के सीधा कैंसिल करा दीजिए लेडी जो है कैसा करके दो स्टेट को जो है क्लेम कर सकता है इस्तीफियर से तो फिर अभी आप बोल रहे हैं कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दो फिर हम लोग का यहाँ में अरुणाचल में सर हम पुलिस प्रशासन को हम जो है निंदा नहीं करता है लेकिन बट हमारा पुलिस का काम जो है अभी भी मेरा जो एस्पेरेंट लोग का कहने का मुताबिक जो है आप लोग उस दिन ये लोग आरटीआई मार के ये लोग जब ये किया था ये लोग को एफआईआर के लिए ये किया था अभी तक वो लड़की को जो है इंक्वायरी आई थिंक अरेस्ट नहीं किया है सेवन कितना अभी वन वीक से ज़्यादा हो गया तो ऐसा करके हम लोग भी अभी ये बच्चा लोग को बेटी बेटा लोग को भी ये लोग अभी स्टडी करके अपना हक के लिए अभी मांग मांग के यहाँ में अभी मजिस्ट्रेट लेवल तक आप लोग का ये एक्चुअली बोलने से आप लोग का काम करना चाहिए ये देखा जाने से
ये हमारा सोशल एक्टिविस्ट का और हमारा ये एस्पायरेंट लोग का काम नहीं है, ये लोग तो आप लोग का अंदर में कर रहे हैं, कैसा करके आप लोग जो है ये चीज को जो है इतना ये नज़रअंदाज करके आप लोग भी ये मतलब ये आप लोग को ही सवाल होना चाहिए ना, आम जनता भी आप लोग को ही हम लोग वही क्वेश्चन कर रहा है। आप एक स्टेट का हम लोग तो एवरी थिंग्स आप लोग का ऊपर में मजिस्ट्रेट का ऊपर में हम लोग छोड़ देता है, आपका काम को तो हम नहीं कर सकेगा सर। तो इसलिए ये चीज़ को जो है आप लोग जो है कैसा करके ये लड़की को जो है दो ये आपका स्टेट का इसको अथॉरिटी दिया जाता है, तो ऐसा होने से तो कल को कोई भी हमारा घर में बैठने वाला कोई भी जैसे कि ये मेरा तिप्रमी मानलोंग का सिस्टर का जैसे कोई भी क्लेम करेगा उनको दिया है तो हम लोग को भी देना पड़ेगा बोल के, ये एक हमारा स्टेट में जो है आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत ये जो है सेंसिटिव है ना, तो इसलिए हम जो है हुई है हम लोग एज ए मदर होने का नाते में हम लोग भी बच्चा लोग को अभी का समय में ये प्यास्को में इतना यहाँ में बच्चा लोग का भी टाइम भी चला जा रहा है और यहाँ में तो आप लोग अरुणाचल का लोग सब मालूम है यहाँ इतना डिफिकल्ट है इतना सेंसिटिव है, तो इसलिए इसको आप जो है नज़रअंदाज नहीं करते हुए सर आप पुलिस प्रशासन का ऊपर में ही छोड़ देगा, पुलिस का कार्रवाई वो लोग को करने दो हम लोग उसका बाद में अपडेट दैट्स ये पूरा टोटल हम जो है सर आपका ये बात से हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि पुलिस को हम लोग जो है पुलिस को ऑलरेडी ये जो है बच्चा लोग भी पुलिस में जाके ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आरटीआई मार के जितना करना था पुलिस का अंदर में हम लोग जो जो बात करना था ना बच्चा लोग ऑलरेडी फ्लैश करके रखा हुआ है, तो पुलिस अभी एक्शन नहीं ले रहा है बोल के, तो अभी हम लोग देखिए यहाँ हम लोग इतना दूर से हम लोग भी ट्रैवलिंग करके यहाँ तक आए हैं क्योंकि हम लोग उम्मीद लेके आए हैं ना पुलिस प्रशासन को, हम लोग अभी जितना करना था कर लिया लेकिन आपका ऊपर से यहाँ में ऑलरेडी यहाँ का अथॉरिटी दिया गया है तो कैसा करके ये लड़की को जो है ऑथोराइज किया गया है वो सवाल को हम लोग यहाँ में ये करने के लिए आए ना, तो इसलिए सर प्लीज आप लोग नज़रअंदाज नहीं करने से ही टिकी है, यहाँ में हमारा बच्चा का लाइफ का सवाल है, आपका बच्चा का लाइफ का सवाल है, मेरा बच्चा का लाइफ का सवाल है, इंटर अरुणाचल का इशू है ये, इसलिए यहाँ में आप लोग जो है एक फैमिली को हम लोग बसाने का बसाएगा उसको हम लोग पूरा अरुणाचल को हम लोग जो है नज़रअंदाज करेगा ये भी तो एक प्रकार से सर गलत है ना, इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा है आप लोग को ना आपका तरफ से आप जो है जितना हो सकेगा दू एंदाई करके ये आपका 2-3 days का अंदर में आप थोड़ा रिजल्ट दीजिए, तो आप अगर ये नहीं करता है तो फिर कल को हम लोग को नहीं बोलना है मतलब ये लोग क्यों ऐसा इस प्रकार का कदम उठा के ना ये कर रहा है बोल के, तो हम लोग भी यहाँ से जाने का बात में तो ऐसे नहीं बीतेगा जब तक ये रिजल्ट नहीं देगा, और ये प्यास्को में तो हम लोग अभी सब आम आदमी का जनता का इमोशनल जुड़ा हुआ है उसके लिए सर हम लोग स्पेशली यहाँ में हमारा एडियो एस्पारेनो का साथ में हम लोग सर आया हुआ है ना। नहीं बोला कि ये पूरा मतलब अरुणाचल की बात है और किसी के मतलब गलत काम के वजह से हमारा अरुणाचल के लोग किसी न किसी को तो जरूर डिप्राइव हुआ होगा, अगर वो जेन्युइन नहीं था और उन्होंने ऐसा करके जॉब लिया है तो वो कोई ना कोई तो जरूर डिप्राइव हुआ है और ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। जहाँ तक हम लोग का बात है अभी ये सरफेस में आया, हम लोग पहले से अगर हम लोग को पता चलता तो हम लोग पहले से एक्शन में आता, लेकिन ये सर हम लोग को पता नहीं चला, अभी जो सोशल मीडिया में आने के बाद आरटीआई हमारा लोग ने करने के बाद जब ये सरफेस में आया तो अभी हम लोग भी एक्शन में है। फिर इसमें फिर सर सॉरी सर क्योंकि हम लोग एक्चुअली एसटी सर्टिफिकेट मैंने पहले बोला ना एसटी सर्टिफिकेट एक्चुअली इशू करता है तो पूरा प्रोसीजर के साथ इशू प्रोसीजर का साथ में इशू करना, प्रोसीजर को मतलब छोड़ के प्रोसीजर से हट के जैसे मतलब आउट ऑफ टर्न ऐसा किसी को नहीं देता, इसी सर्टिफिकेट भी काफ़ी सेंसिटिवली उसको डील करता है। दैट मीन्स ये फैमिली जो ऐसा हो गया कि तिप्रमी मानलोंग जो है मतलब इसका ये जो है अभी तक का जो कर रहा है वो दैट मीन्स हमारा दो स्टेट का सरकार हम लोग का दो स्टेट को वो जो है क्राइम कर रहा है ना सर, क्योंकि अभी आप लोग को देखिए लॉ को बैठने देखिए मजिस्ट्रेट को बैठने देखिए आप लोग अभी बोलते हैं हम लोग मालूम नहीं है ना, हम लोग मालूम नहीं है ये कैसा करके किया है, अभी यहाँ में सोशल मीडिया में आरटीआई मरने का कारण से हम लोग दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हम लोग घुस घुस के जहाँ जहाँ में हम लोग आरटीआई अभी हम लोग मरना शुरू करने से तो बहुत निकलेगा सर, अभी तो ऐसे ही लग रहा है ना अरुणाचल को फिलहाल देख के ना आप लोग बोल रहे हैं अभी विदाउट हम लोग कुछ भी मालूम नहीं है आप लोग आरटीआई मरने का कारण से और यहाँ ग्रास रूट अभी चार्जिंग करने का कारण से निकल रहे हैं। अगर किसी ने एसटी अप्लाई किया उस समय वेरिफिकेशन किया, वेरिफिकेशन में अगर हर लेवल से वेरीफाई करके आ जाता है तो फिर अप्रूविंग अथॉरिटी अप्रूव करता है ना, उस समय अगर अप्रूविंग अथॉरिटी या वेरिफिकेशन लेवल में कहीं भी किसी भी लेवल में अगर पता चलता है कि नहीं ये जेन्युइन नहीं है तब तो उसी लेवल से ही मतलब रिकमेंड भी नहीं होगा प्रोसेस भी नहीं होगा, लेकिन ये पूरा ओके होके जब आया तो अप्रूव हुआ होगा तो हाँ कौन सा लेवल में चूक हुआ होगा वो अभी एग्जामिन करने के अभी तो इसलिए फिर ये तिप्रमी मानलोंग का बना जो है ये जो है पोल से बोल के हम लोग
दिखा रहा है आपको यहाँ में ना, ये तो टोटल फॉल्स है। तो अभी इसमें अगर आप लोग जो है अभी आप लोग का एक्शन दिखाना चाहिए, आप लोग मजिस्ट्रेट जो है फर्दर स्टेप आप लोग जो है सिर्फ उसमें पुलिस लोग को कानून लोग को करने दो, ऐसा नहीं होना है सर ना। आप लोग जो है इमिडिएटली आप लोग जो है ऑनेस्टली अगर वो असम का है तो उसको असम का जो जहाँ से वो डिग्री हासिल करके रखा है उनको तो एक जगह में तो टिक के रहना पड़ेगा। आइधर आप असम या तो अरुणाचल, आप डिग्री आप असम से होके हासिल पास आउट करके लेके आते हैं, फिर जॉब आप जो है विद इन नो टाइम में आप जो है वन ईयर का अंदर में आप एस टी पी आर सी ये करके कलेक्ट करके आप कैसा करके हमारा जो कैंडिडेट को जो है डिफ्राइड कर सकता है, ये हमारा सवाल है, इंटर अरुणाचल का सवाल है ना सर। इसको हम लोग भी बहुत सीरियसली उसको टेकअप करेगा, तो आप लोग को भी मैं जितना जल्दी हो सके जवाब देना। हाँ सर, मैं किपा चंपा जी एस नारी शक्ति। तो सर इसमें दिखा दिखी सबूत यहाँ में है कि ये लड़की जो 2016 में असम से असमिस लड़की है बोल के वहाँ का एसटी है, लेकिन वो सबको मालूम होते हुए हमारा अरुणाचल में ये सब क्यों ये नहीं जांच पड़ताल अच्छा से नहीं करके अंधाधुंधा में ये 2020 में 21 में ये एसटी इशू किया क्या? तो हम ये सब का घरवार ये सब चलने जगह ना एसटी पीआरसी ये सब ना ज़्यादातर ये आपका नमसाई डिस्ट्रिक्ट यही से होता है ये सब ना अरुणाचल में अभी जितना भी हला मच्छा करने से भी ना यहाँ से होता है। तो इसमें हम लोग आप जैसे कुर्सी में है आप लोग है सबसे, तो आप लोग अपना हिसाब से काम नहीं करके यहाँ का पब्लिक लीडर का वही बोलने का कारण से ये सब धमाधम इशू करता है क्या? तो ये सब तो ज़्यादातर यही से निकल जाता है पीआरसी इशू अभी कितना होगा और उसको हम लोग कितना ढूंढते रहेगा, तो ये सब तो टेकल करना आप लोग का जिम्मेदार है ना। तो इतना ये हमारा तो कल को ये बोलेगा कि नहीं अपना नौकरी को ये हो के प्यार हो के नहीं हम असम वाला को ये करेगा कैंसिल करेगा हम अरुणाचल में ही रहेगा बोलने से, तो आप लोग का हम लोग का अरुणाचल का ये एक्सपीरियंस टीम ये एग्री चालक को क्या रिजल्ट देगा? तो ये भी एक सवाल है ना, क्योंकि वो अपना पैदा मन के लिए तो असम से तो कोई जॉब वॉब नहीं मिल रहा है, हमारा अरुणाचल से ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसमें वो उसको कैंसिल करो ऐसे तो बोल सकता है, लेकिन वो तो हम लोग वो चीज़ को कैंसिल करो असम को तो नहीं बोलेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये असम लड़की है तो हम लोग का अरुणाचल में ये सब को नहीं मिलना चाहिए, पीआरसी बोलो उसका बात ये एसटी बोलो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि असम है तो असम लाइक कोई होता है कि मादर यहाँ का होगा फादर वहाँ का होगा, तो ऐसे होने से भी तो उसी में तो जिसमें जहाँ शादी की है उसी का अपना बाप का नाम रखिए ना, क्यों मदर का नाम रखना है? ये चीज़ भी तो बड़ा सवाल है ना। हम लोग अरुणाचल में यही एक सिस्टम गलत, क्योंकि वो सिस्टम गलत होने का कारण क्यों आप लोग जैसा पद पर है कुर्सी पर है उसी लोग ने अच्छा से ध्यान नहीं देता होगा शायद, और हमारा यहाँ में पॉलिटिक्स लोग का बात ही ज़्यादा सुनने का कारण से अपना मर्जी से भी जो ऑफिशियल लोग को भी करने नहीं देने का कारण से भी होता होगा। तो हम सर आपसे मैं यही अपील करूँगा कि ये सब को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये एक ऑलरेडी असमिस लड़की है तो हम लोग का यहाँ का ये सब एसटी पीआरसी को कैंसिल करना ही है, यही हम लोग का मांग है, क्योंकि उसको हम लोग को समय भी आप ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि हम लोग का ये सब को क्यों लागते रहेगा? आप देख के इतना सबूत आपका सामने में लाए तो उसमें इमिडिएटली हम लोग को रिजल्ट चाहिए सर। थैंक यू सर। ठीक है मैडम, तो ये बात है कि हम लोग नज़रअंदाज हम लोग कभी नहीं करेंगे, ऐसे करता नहीं हम लोग नज़रअंदाज, पब्लिक का कोई भी रिलेटेड चीज़ को नज़रअंदाज कभी नहीं करता। अगर नोटिस में नहीं आया तो अलग बात है, नोटिस में आने के बाद नज़रअंदाज कभी नहीं करेगा, उसको सीरियसली टेकअप करेगा, एक बात। दूसरा बात, एसटी पीआरसी में मेरा ख्याल से नामसाई डिस्ट्रिक्ट सिर्फ नहीं बल्कि अरुणाचल का सारा डिस्ट्रिक्ट में एसटी सर्टिफिकेट इशू करने का अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का पूरा गाइडलाइंस है, उसी गाइडलाइंस को ही फॉलो करके करता है। कोई पॉलिटिशियन एक इंडिविजुअल पॉलिटिशियन ने कुछ बोला रिकमेंड किया उसको कर दिया नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये कहीं भी किसी भी लेवल में नहीं होता है। कोई पॉलिटिशियन ने रिकमेंड करके एसटी इशू किया, किसी पॉलिटिशियन ने रिकमेंड करके पीआरसी इशू किया, ऐसा नहीं होता। वो पीआरसी का गाइडलाइंस है इशू करने का, एसटी का भी गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को पूरा का पूरा फॉलो करके करता है। हाँ, लेकिन उसको फॉलो करने में कहीं किसी ने फैक्ट को छुपा के अपना प्रूफ बना के मैनिपुलेट करके कुछ करके अगर वो
जो वेरिफिकेशन लेवल से आ जाता है, आ सकता है, तो शायद ऐसा हुआ हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको एग्जामिन करेगा, अच्छा से एग्जामिन करके ट्रूथ को डिग आउट करेगा, डिग आउट करके जो कंक्लूजन में हम लोग ले सकते हैं उसी में हम लोग जाएगा, इसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं करेगा, मैटर सीरियस है, उसका फुल्ली कॉग्निजेंस हम लोग ले रहे हैं। सर लास्ट एक बार सर हम लोग आप जिस हालत में भी दो तीन दिन के अंदर में सर आप हम लोग को रिजल्ट दीजिए, हम लोग 5 days ऐसा रुकेगा, 5 days ऐसा रुकेगा, अगर उसमें तक आपका नामथाई का डीसी का तरफ से कुछ कार्रवाई या कुछ उसका सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं करता है तो ऐसे पब्लिक हम कभी अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट तो बोलता नहीं है, ऐसा सोशल काम करने का नाते हम लोग कैपिटल हो चाहे जो भी हो हम आपका नामसाई का डीसी के ऊपर में हम लोग सवाल करेगा, ये पहला बात, और इसके ऊपर में जो सवाल करेगा करेगा और नामसाई डीसी के ऊपर में हम लोग सवाल करेगा और यहाँ का जो विधायक है उसके ऊपर में भी सवाल करेगा। हम ऐसा लगता है कि ये सेकेंड पीआरसी इशू मेरे ख्याल से ये नामसाई से ही शुरू हो रहा है, हमें ऐसा लगता है कई जगह से ये नामसाई से ही शुरू हो रहा है, हम इधर उधर बोल के भी अगर अभी एक तो पकड़ लिया तो अभी तो ये पता चला, ये जो लड़की जो आसमी से पता चला है, तो अभी सर ये हम ऐसा ना हो कि भगवान से यही प्रार्थना करता है कि आने वाला समय में सेकेंड पीआरसी जो गया वाला सेकेंड पीआरसी आने ना दे, तो इसलिए सर ये 2-3 दिन के अंदर में आप रिपोर्ट दीजिए और हम लोग स्पेशली जो आप लेटर दिए उसके रिप्लाई में एक सर दे दीजिए, देने के बाद हमें सर पता चलेगा कि आप कैंसिल कर रहा है नहीं कर रहा, ये 2-3 दिन के अंदर में अगर सर कैंसिल कर रहा भी है तो ये कैंसिल कर दीजिए, हम लोग यही मांगे कि अभी इसी वक्त ही कैंसिल करने से अच्छा है, अगर कैंसिल नहीं करता है कैंसिल नहीं करता है यानी कि आप बोले हम लोग को लिख के दे दीजिए, उसके बाद पब्लिक क्या करना नहीं करना वो पब्लिक के ऊपर दिखा जाएगा सर, क्योंकि यहाँ में लोकतंत्र के देश में आप सर अभी पता है पब्लिक ही सबसे आगे है, पब्लिक ही सब है, लेकिन हमारे यहाँ पर एक ऐसा बना के रखा है सर आपका सामने में अभी हम बोलते हैं, हम मिनिस्टर एमएलए सामने में बोलते हैं कि चलो आप पढ़ा लिखा डीसी बना, अभी कम पढ़ा लिखा एमएलए मिनिस्टर बन के आपको हुकुम करता है लोकतंत्र की जगह में, अभी वही आदमी को पब्लिक बनाता है, वही पब्लिक को अभी उल्टा सवाल करता है, ये मेरा पब्लिक का भी थोड़ा कमी है कि हम जिसको चुनता है वही हमको लास्ट में धोता है, हम ये कभी नहीं कहते जिसको चुनता है उसको हम धोना चाहिए, लेकिन हम जिसको चुनता है वही लास्ट में हमको धोता है दोता, इसलिए सर मेरा ये क्लियरली एक वो है कि आप जिस यहाँ का विधायक को भी बोलिए कि देखो प्रॉब्लम होने वाला है, आप क्लियर बताइए प्रॉब्लम होने वाला, इसका प्रॉब्लम सारे स्टेट में होगा सर, यहाँ पर नहीं और कैपिटल में नहीं, सारे स्टेट में प्रॉब्लम होगा सर, इतना ही मेरा हम लोग का सब बोलना है सर, थैंक यू सर। एसटी सर्टिफिकेट उनका एक्चुअली एसटी सर्टिफिकेट देखा जाए तो 2014 में भी एक इशू हुआ था असम में इशू होने से पहले, और उन्हीं का जो बेस करके उसी का बेसिस में ये नया जो 21 में इशू हुआ है वही उसको सरेंडर करके इशू हुआ होगा मेरा ख्याल से, फिर भी मैं उसको एग्जामिन कर अभी करना बाकी है, जो भी हो मैटर को पहले एग्जामिन करना पड़ेगा, एग्जामिन करके उसके बाद अगर कैंसिल करने के लिए कंक्लूजन में आता है कैंसिल करना है तो कैंसिल होगा, आर्बिट्रेली तो कोई भी चीज़ होता नहीं अपना देश में, कोई सब चीज़ का हेयरिंग होगा प्रोसीड्योर के मुताबिक होगा, तो वो ये मैं कभी नहीं बोलूँगा कि उन्होंने गलती किया है वो जेन्युइन नहीं है, फिर भी हम लोग उसको कैंसिल नहीं करेगा हम, मैं नहीं बोल सकता, अगर वो जेन्युइन है तो उसका कैंसिल नहीं होगा, जेन्युइन यहाँ का रहने वाला है तो नहीं होगा, अगर जेन्युइन यहाँ का रहने वाला नहीं है वो असम का ही रहने वाला था और यहाँ से ऑप्शन उन्होंने कुछ दूसरा तरीका से यहाँ से एसटी इशू किया हो ऐसा पता चलेगा तो उनका कैंसिल होगा, ये पक्का बात है। बाकी जो ऑनरेबल सीएम और डीसीएम साहब लोग का पैकेज वगैरह के बारे में तो वो अभी वो मैं नहीं बोल सकता, उसके ऊपर कमेंट मैं नहीं कर सकता सर।